खबर जनपद पौड़ी गढ़वाल से है, जहां बीते 2 महीने से लापता एक 21 वर्षीय युवक सचिन का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसके चलते युवक के परिजन हताश होकर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पौड़ी से नौकरी की तलाश में बहेली गांव से हरिद्वार आए एक 21 वर्षीय युवक सचिन बीते 2 माह से लापता है। परिजनों ने 2 माह पूर्व पुलिस को मामले पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक को नहीं खोज पाई, जिससे परिजन और ग्रामीण पूरी तरह से निराश और परेशान हो गए हैं। इसी बीच युवक की मां ने बताया कि 2 माह पूर्व उसका बेटा अपने दोस्त के कहने पर हरिद्वार नौकरी के लिए गया था। इसके बाद से ही युवक का फोन बंद है। परिजनों को संदेह है कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी न घटी हो। इसी के चलते परिजनों ने युवक को जल्द खोजने की मांग पुलिस से की है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उसका फोन बंद बता रहा है, 27 तारीख को हुआ। उसके बाद उसने कहा कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ, 28 को या 29 को मैं घर आ सकता, और वो देखो तो 27 तारीख को उसका फोन बंद बता रहा है। ये तो ऐसे नहीं बोलता वो ना कि मैं घर आ रहा हूँ, और क्यों बोलता? अगर मैंने उसको तो 27 तारीख को फोन किया, उसको तो 2 तारीख को फोन किया, तो अगर वो ऐसा छुपाता मेरे से तो फोन ही नहीं करता। तो उसने शायद 3:44 में मेरे को फोन कर रखा शाम को कि मैं घर आ रहा हूँ, और परसों या कल परसों आ रहा था, मतलब 28 को 29 को मैं घर आ रहा, और वो 27 तारीख को उसको फोन बंद बता रहा। रात को हरिद्वार से गया वो लड़के ने, एक लड़के ने उसको फोन किया और उसके जरिए गया वो, और वो लड़के कह रहे कि यहाँ से चले गया, और पुलिस उनको तो पकड़ नहीं गई। अब हम तो हमें तो उन्हीं पे शक है, बस उसको किसी को ना उसको किसी का नंबर है, बस उन्होंने बताया उसको कि यहाँ। हम लोगों ने जब परिजनों ने जाके रिपोर्ट की थी, उसके बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन हरकत में आया तो बच्चे से जो उसके लोग थे वहाँ पे हरिद्वार जहाँ पे वो नौकरी करने गया था वहाँ पे पूछताछ हुई। लेकिन हम लोगों की एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि पहाड़ में रहने वाला बच्चा, 22 साल का बच्चा, जिसे कह रहे हैं कि उसकी लोकेशन बलरामपुर है, पुलिस कहती है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, पुलिस कहती है वो दिल्ली पहाड़गंज में है, पुलिस कहती है वो जयपुर में, पहाड़ के एक सामान्य बच्चे को जो पहली बार घर से बाहर निकला हो, उसके लिए ट्रेन और नई जगह हैं बहुत अटपटी हैं। हमें शक है कहीं ना कहीं कि वो बच्चा किसी ट्रैप का शिकार हो गया है, वो किसी ऐसे गिरोह का शिकार हो गया है जो उसे न चाहते हुए भी शायद ऐसा कार्य करवा रहे हैं कि जो उसे न करना पड़ रहा हो। पुलिस इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरते और तत्काल उस बच्चे को ढूंढ के लाए। ऐसे पहाड़ के अनेकों बच्चों की कहानियां अभी सामने आ रही हैं, कोई बच्चे जो ट्रैप में फंस रहे हैं और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। तो हम चाहते हैं कि सचिन को जो है हम इस तरीके से वापस लाने के लिए पुलिस भरसक प्रयास कर। देखिए, एक हमारे पास मिसिंग की शिकायत आई थी जिसमें एक लड़का है जो कि पौड़ी का ही निवासी है, ये कट से बता के गया था कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, और इसने परिजनों को भी ये बताया कि मैं हरिद्वार में नौकरी कर रहा हूँ। जबकि हम लोगों ने उसकी जब लोकेशन ट्रेस करी तो इस लड़के की लोकेशन जो थी दिल्ली में आई थी। उसके बाद हमारी टीम्स भी दिल्ली में गई थी उनको, लड़के को लोकेट करने के लिए। उसके बाद ये लड़का बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, जिसमें हमने ये पाया है कि सीसीटीवी फुटेज भी हमने इसमें निकलवाई है और कई एटीएम से ये पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहा है, और ये उत्तर प्रदेश में कई काफी समय एटीएम वगैरह से पैसे निकाल रहा था, और अभी कुछ दिन पूर्व ही अजमेर से, जयपुर से इसने राजस्थान से पैसे निकलवाए हैं, और ये रेगुलरली अपनी लोकेशन निकाल रहा है। और अभी देखने से ये लग रहा है कि लड़का बिल्कुल सेफ है, और हमारी टीम्स कई बार गई हैं इसमें लड़के को ढूंढने के लिए, क्योंकि बार बार लोकेशन चेंज कर रहा है, तो उस वजह से जो है लड़के को पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट हम इसमें शीघ्र इस लड़के को बरामद करके लाएंगे।